भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के नेतृत्व में बूढ़ानाथ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ हो गई। इसके बाद गिरिराज सिंह ने बूढ़ानाथ मंदिर से पैदल यात्रा करते हुए जिला स्कूल के मैदान तक पहुंचे, जहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने हिंदू एकता और स्वाभिमान की रक्षा का आह्वान किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि 1947 से ताजिया निकलता आ रहा है और हिंदुओं ने हमेशा सहयोग किया, फिर भी आज कुछ लोग दुर्गा पूजा के दौरान मंदिरों पर पत्थर फेंक रहे हैं। यह यात्रा सभी हिंदुओं के लिए है, इसमें कोई राजनीतिक दल नहीं, केवल हिंदुओं की एकता और अस्तित्व की रक्षा का उद्देश्य है। मंत्री ने इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि स्वामी श्रद्धानंद की हत्या, जसपाल महाशय का केस और अन्य घटनाएं यह बताती है कि हिंदुओं के खिलाफ विरोध बहुत पहले से हो रहा है। यह यात्रा हिंदू समाज को एकजुट करने और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए है। साथ ही उन्होंने आगामी चरणों में यात्रा को गांव-गांव ले जाने की बात भी कही, ताकि यह संदेश हर हिंदू तक पहुँच सके। आप ये स्थान क्यों चुना? भागलपुर ऐतिहासिक जगह है, योद्धा का जगह है, और जब भी किसी ने ललकारा है उसका मुंह तोड़ जवाब भागलपुर ने दिया है। मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। कह रहे हैं कि आपने सीमांचल क्यों चुना? मैं पूछता हूं, अगर बाबा साहेब की बात मान ली गई होती तो आज मीडिया वाले मुझे ये प्रश्न नहीं पूछते, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर ने नेहरू से कहा था कि टोटल पॉपुलेशन मुसलमानों का पाकिस्तान भेज दो, टोटल हिंदू पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाए। नेहरू को तो वोट चाहिए था, नेहरू ने बाबा साहेब अंबेडकर की बात नहीं मानी। बाबा साहब ने कहा था अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो याद रखना भारत में कभी भी सामाजिक समरसता नहीं बना रहेगा। भागलपुर के नाथनगर में भतोड़िया कंझिया फोरलेन चौक के समीप ओवरब्रिज और अंडरपास की मांग को लेकर क्षेत्रीय लोगों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। दरअसल यह धरना प्रदर्शन ओवरब्रिज और अंडरपास की मांग पर दूसरे दिन भी जारी रहा। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि जैसे ही बाईपास फोरलेन बनता है भतोड़िया कंझिया चौक का रास्ता बंद हो जाएगा, जिससे लगभग 50 गाँवों का आवागमन ठप हो जाएगा। इससे लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसी को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण धरना स्थल पर जुटे हैं और अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं। धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक भतोड़िया कंझिया फोरलेन चौक पर ओवरब्रिज और अंडरपास का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार और प्रशासन उनकी मांगों को जल्द नहीं मानते हैं तो वे आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से तेज करेंगे और सड़क जाम कर प्रदर्शन करेंगे। हम रास्ता गोविंदपुर हमरो घर वाला है, मजूरा कमाए का वाला छे, रात के रात हो जाए 12 बजे जाए 1 बजे जाए बेधड़क चल लो जाए, घूरी देवे बोसा मारी देते बदमोसा मारी के फेंकी देते जाकर, तो हमें की करा पा रहा हूँ, सब बेटा टेम्पू गाड़ी चला जो पब्लिक भाई बहन सबको न मारी फेंकी तो की करवे, हमें हमारा रास्ता चाहिए, रास्ता चाहिए। कौन रास्ता चाहिए? गोविंदपुर एकदम सीधा रास्ता बाईपास, हाँ एकदम पुल होना चाहिए, यहाँ बैठा बाईपास में
ये स्थान जो है भतोड़िया कन्या फोर लेन चौक है, और इस जगह जो है हम लोग का जो मांग है, या तो अंडरपास हो या ओवर ब्रिज हो, चौराहा हो, इसकी व्यवस्था की जाए। इसके नहीं बनने से इधर का 5 लाख का आबादी प्रभावित होगा। लोगों को जो है स्कूल जाना, हॉस्पिटल जाना, थाना, ब्लॉक, सब इसी रास्ते से है, और इससे इसके नहीं होने से पूरी आबादी जो है समझिए आवागमन बाधित हो जाएगा, और इसके नहीं रहने से लोगों की दिनचर्या, लोगों का आना जाना सब बाधित इससे हो जाएगा। इसीलिए हम लोग की मांग है कि यहाँ पे अस्थाई व्यवस्था हम लोग को मिलना चाहिए। बिहार में जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है। इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है, वहीं सत्ताधारी दल के जदयू विधायक गोपाल मंडल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब से मरने वाले लोग गरीब होते हैं और ऐसे लोग मरते रहेंगे। गोपाल मंडल ने कहा कि उनके क्षेत्र में भी जहरीली शराब पीने से लोग मरे हैं, खासकर मुसहरी में जहाँ दारू बनाई जाती है। विधायक ने यह भी खुलासा किया कि जहरीली शराब कैसे बनाई जाती है। उन्होंने कहा कि इसमें गुड़ में एक्सपायरी टैबलेट मिलाई जाती है और अब सल्फास मिलाकर शराब बनाई जा रही है। इसके अलावा उन्होंने पुलिस की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि थाना अध्यक्ष को इस काम के लिए मोटी रकम मिलती है। गोपाल मंडल ने कहा कि अगर जिलाधिकारी ठीक से काम करे तो इस पूरे सिस्टम में सुधार हो सकता है। वो तो मरते रहेगा, जहरीला दारू पीता है, गरीब आदमी ही मरता है। गरीब आदमी क्या करता है, महुआ पीता है। हमारे मुसहरे में दारू बनता है, और दारू में यही गुड़ का दारू बनता है, उसमें करता है एक्सपायरी टैबलेट नींद वाला दे देता है। इसको अंदाज नहीं कितना देना चाहिए, दे देता है। जो बर्दाश्त नहीं करवाते हैं वो अभी जो किया है, ये कहने का मतलब ये सेल्फोस नहीं होता है, उसको गुड़ गुड़ के नसी में दे रहा है, उसी से मर रहा है। अच्छा, युवा पीढ़ा भी इसका शिकार कंटिन्यू हो रहा है सर। युवा तो बगदा हुआ है, बिहार का नहीं कह सकते हैं, लेकिन भागलपुर जिला का बगदा हुआ है। ये कहता है सरकार ने दारू बंद किया, तब वो लोग तो दारू पीवे नहीं करता था, बंद क्या करता। गरीब आदमी कहीं दारू पीता है, और गरीबे आदमी सब बनाते हैं, पीते हैं, बाग स्मैक भी पीना शुरू कर दिया। जो जो नशीला पदार्थ है वो सब देना शुरू। देखिए, सुधारने के लिए नहीं, गार्जियन का माता पिता की मना देता है नहीं, ये कमेटी बनाएगी सुधारने के, पकड़ेगा उसको, पकड़ के एक घर निर्धारित करेंगे, उसमें बंद करेंगे। इसमें कुछ पुलिस प्रशासन की भी सुस्ती के कारण हो रहा है? नहीं, पुलिस प्रशासन सुस्ती के कारण नहीं हो रहा है, पुलिस तो सजग है, लेकिन थानेदार जितने हैं ना, वो दारू बनाने वाले से मिला हुआ है, तो मिलने के कारण उसका मनोबल बढ़ा हुआ है। कौन, एक चौकीदार जानता है कहाँ गलत हो रहा है, थाना प्रभारी को पता है किसके घर में क्या खाना बना है, वो पकड़ ही सकते हैं, लेकिन मोटी रकम मिलता है महीनों में, अरे 25,000-30,000। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के नवादा पंचायत स्थित शाहबाद वार्ड नंबर 12 में गुरुवार देर रात करीब 1:30 बजे 5 नकाबपोश अपराधियों ने शिक्षक रंजीत मंडल के घर में घुसकर हथियार के बल पर डकैती की घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने परिवार के सभी सदस्यों को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया और घर में मौजूद 50,000 रुपये नकदी और सारे जेवरात लूट कर फरार हो गए। पीड़िता कविता देवी के अनुसार रात के सोते समय 5 नकाबपोश अपराधी दीवार फांदकर घर में घुसे। उन्होंने रंजीत मंडल को बंदूक की नोक पर धमकाते हुए गोदरेज की चाबी मांगी, और जब चाबी नहीं मिली तो उन्होंने लॉक तोड़कर 50,000 रुपये, सोने के जेवर और अन्य सामान लूट लिया। अपराधियों ने घर से 4 मोबाइल और कंप्यूटर का CPU भी ले लिया। घटना के बाद परिजनों ने आसपास के लोगों को जगाकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी है, और डॉग स्क्वाड की मदद से 2 महिलाओं और 3 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। 1 बजे के पास आया, और उसके बाद आया सब खोल दिया, और गोदरेज खोला, सब
जितना सामान था तोड़ फोड़ करके लिया, और पाँच आदमी था, दो के पास गन था, एक के पास चाकू, उसके बाद सब चीज ले लिया, ताला चाबी था, चाबी खोल के उसके बाद नीचे से चल गया। कितना संख्या में लोग था? पाँच संख्या। हथियार कनपट्टी पे सटा दिया था। क्या बोला कि बोला चाबी दो, गिरफ्तार उनका सब पता कहाँ क्या है, नहीं तो मारे। फिर क्या क्या वो लोग क्या क्या ले गया साथ में? उसे पीओ था, मतलब क्या क्या ले गया? जेवर गहना पूरा था, एक मंगलसूत्र था, एक कौन का था, मटिका था, ये हाथ का था, अंगूठी था, मतलब पूरा ये ले गया जेवर का। नगद पैसा भी था? चाबी था ही ना लेके, कुछ मोबाइल भी था, एक मेरा चार्ज में लगाए थे वो मोबाइल वहाँ से, और मोबाइल दो अंदर में था, मोबाइल भी लिया, मोबाइल सब ले लिया। आवाज का पहचान सकते निकला तो लोग देखे किधर भागा? वो क्या उधर सीधेपुरम निकला, वो मकान होते हुए उस मकान से उधर से निकला, तो उधर गया तो हम भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित आरबी हॉस्पिटल में निसंतान रोगियों के इलाज के लिए एक निशुल्क सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में अस्पताल के निदेशक डॉक्टर आकाश ने जानकारी दी कि उन महिलाओं के लिए विशेष उपचार की व्यवस्था की गई है जिन्हें संतान नहीं हो रही है। शिविर में IVF विशेषज्ञ डॉक्टर निधि अग्रवाल द्वारा 50 से अधिक महिलाओं का निःशुल्क इलाज किया गया और उन्हें आवश्यक परामर्श और सुझाव दिए गए। डॉक्टर आकाश ने बताया कि जिन महिलाओं को संतान प्राप्ति में कठिनाई हो रही है वे यहां आकर डॉक्टर निधि अग्रवाल से IVF से संबंधित इलाज करा सकती है। इस मौके पर दर्जनों महिलाएं, अस्पताल के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ उपस्थित थे।